अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इसाक और आप देख रहे हैं कोड विद इसाक। आज की इस वीडियो में हम एक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में दो ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की जिक्र की थी, डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट और डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, वहाँ पर हमें क्या शो हो रहा था, वहाँ पर हमें सिर्फ जो डेटा शो करना था वही डेटा शो हो रहा था और गेट के थ्रू हमें वो सारा का सारा डेटा यूआरएन में भी शो हो रहा था और पोस्ट के थ्रू हमें पर्सनली शो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारी जो इस फंक्शन सुपर ग्लोबल वेरिएबल है डॉलर साइन अंडरस्कोर सर्वर, ये ना तो सिर्फ डेटा बल्कि हमारी सर्वर रिलेटेड HTTP कनेक्शन और इसके अलावा बहुत सी यूनिक इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेटर को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी वही फाइल है जहाँ जो हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। यहाँ पर हमारा पोस्ट का मेथड लगा हुआ है। यहाँ पर मैं main.php में आकर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक प्रिंटर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, HTML की टैग ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या फ्री और यहाँ पर सेमी कॉलम लगाया। इसके बाद प्रिंट आर फंक्शन का यूज किया। प्रिंट आर फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर साइन अंडरस्कोर सर्वर सेमी कॉलम लगाया और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया इचो डबल इन्वर्टेड कोट सेमी कॉलम फ्री। अब इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया। यहाँ पर सर्वर की जगह पर मैंने लगाया सॉरी पोस्ट। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपाची सर्वर को ऑन करना है। अपाची सर्वर के बाद जेम को आकर यहाँ पर मैं फाइल 2.php ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारी ऑलरेडी फाइल है। यहाँ जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जो हमारी पोस्ट अरे बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की तरफ से आ रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी सारी की सारी अरे बन रहा है ये हमारी अंडरस्कोर डॉलर की तरफ सर्वर की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है माई स्केल होम हो, सर्वर सिस्टम हो, HTTP कनेक्शन सिस्टम हो, लोकल होस्ट, यहाँ पर हम लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अपाची का, तो ये हमें शो हो रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर सर्वर का नेम लोकल होस्ट है, सर्वर ADDR1 शो हो रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ सर्वर टाइप के जितने भी हमें चीज़ यूज़ कर रहे हैं सर्वर टाइप के, वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ये हमें रिक्वेस्ट मेथड शो हो रहा है, यहाँ पर हम पोस्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यूरी स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास और कोड का जो कोड है हमें वो है main.php के अंदर और यहाँ पर स्क्रिप्ट का नेम है main.php। तो ये हमें सारी के सारे डाटा यहाँ पर शो हो रहा है और रिक्वेस्ट टाइम यहाँ पर भी हमें मिली सेकंड में शो हो रहा है जो हमने कितनी टाइम में इस रिक्वेस्ट की थी। यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम प्लॉट में भी शो हो रहा है, यहाँ पर प्लॉट वैल्यू में भी शो हो रहा है, यहाँ पर हमारी PHP सेल्फ डेटा शो हो रहा है, कोड main.php, इसी तरह मुख्तलिफ टाइप्स की वैल्यू यहाँ पर हमें डॉलर अंडरस्कोर सर्वर के थ्रू शो हो रहा है। तो यही तरीका है और इसके अलावा यहाँ पर हम जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम का भी वैल्यू शो हो रहा है, मतलब जितना जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम का कौन सा वर्जन है, इसके अलावा अपाची का कौन सा सर्वर यूज़ कर रहा है, कौन सा वर्जन का सर्वर यूज़ कर रहा है, लोकल होस्ट वायर, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। तो यही तरीका है सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने का।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।